दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल पर ईपीएफ पासबुक देख सकते हैं और साथ में ही अपने पीएफ अकाउंट की फुल डिटेल जान सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में ईपीएफओ सर्च कर लेना है और डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ देखेंगे मेंबर ई सेवा, मेंबर ई सेवा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डाल देना है और कैप्चा डालकर साइन इन कर लेना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर देखेंगे कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक व्यू का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे नीचे पासबुक का ऑप्शन दिया हुआ है, पासबुक पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आपको यूएएन नंबर और पासवर्ड डालकर इसको लॉगिन करना है। यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो दोस्तों, लॉगिन हम हो चुके हैं। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ से हम अपनी मेंबर आईडी को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी दो आईडी है दोस्तों, तो हम एक आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे व्यू पासबुक न्यू ईयरली है, व्यू पासबुक ओल्ड फुल्ली है, तो हम फुल्ली पासबुक देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे टोटल एम्प्लॉय शेयर और टोटल एम्प्लॉयर शेयर और दोनों मिलाकर टोटल बैलेंस जो है सब दिखा रहा है यहाँ पर। स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे सब डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। इसको साइड में स्वेप करेंगे थोड़ा सा। यहाँ देखेंगे एम्प्लॉय शेयर, जितने जितने रुपए हर महीने कटते हैं वो दिए हुए हैं, एम्प्लॉयर जितना जितना जमा करता है वो दिया हुआ है, और लास्ट में है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपना पासबुक देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर।